अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर को लेकर देश भर में बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के अंदर तो 40 से 45 दिन हो गए प्रोटेस्ट चलते हुए, वहीं दोस्तों देश के बाहर भी अब आवाज उठने लगी है इन कानून के खिलाफ। दोस्तों वहीं दोस्तों शाहीन बाग एक जगह है दिल्ली के अंदर, वहां तो 24 घंटे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जामिया पर भी 24 घंटे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लखनऊ में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अब दोस्तों इस कानून को लेकर देश भर में तो आवाज उठी रही है, देश के बाहर भी अब इसके ऊपर आवाज उठने लगी है। यूरोप से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है इस कानून को लेकर। क्या है बड़ी खबर, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भी मानते हैं कि नागरिकता कानून इस देश के लिए गलत है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों यूरोप से बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि यूरोप की पार्लियामेंट में यानी संसद में इसके खिलाफ यानी नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ है। अब प्रस्ताव तो दोस्तों पास हो गया पर उस पर वोटिंग रह गई, अभी वोटिंग नहीं हुई है यूरोप की संसद के अंदर। 29 जनवरी को दोस्तों इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अगर वो प्रस्ताव पूरी तरीके से पास हो जाता है तो दोस्तों भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने की बात है। वहीं दोस्तों भारत ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए, भारत ने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, यूरोप को इसके ऊपर नहीं टांग अटकानी चाहिए। पर यूरोप साथ खड़ा है, जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी जो कर रहे हैं इस कानून के खिलाफ उसके साथ खड़ा है, और उन्होंने कहा ये संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, इसलिए हम इसके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, लियाए भी हैं, और इसके खिलाफ 29 जनवरी को वोटिंग होनी है यूरोप की संसद में। अब देखना होगा कि उस वोटिंग में क्या नतीजा निकल कर आ रहा है, ये टाइम बताएगा। चलिए दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, जो यूरोप ने नागरिकता कानून को लेकर जो प्रस्ताव पास कराया अपनी संसद में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।